नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रकृति के इन वादियों में बैठ करके आज चर्चा करने वाले हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रतिपादित एक औषधि चिकित्सा विज्ञान पे। चिकित्सा और वही एक औषधि चिकित्सा के बारे में निश्चित तौर ये हमारे लिए एक वरदान है। आयुर्वेद का इसे एक वरदान कह सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया है जीवेम सर्दा सतम, अर्थात 100 साल तक हम कैसे स्वस्थ रह कर जिए, ये आयुर्वेद का सूत्र है। आइए आज हम इसी के अंतर्गत एक औषधि चिकित्सा विज्ञान। एक औषधि का मतलब एक समय में किसी रोग विशेष के लिए एक ही प्रकार के औषधि का उपचार देना, ये एक औषधि विज्ञान है। इसमें अनुपान भेद है। अनुपान का अर्थ ये है कि किसी औषधि को किसी अन्य तत्व के साथ या अन्य पदार्थ साथ मिलाकर दिया जाना। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और विभिन्न औषधियों का शरीर के अलग अलग संस्थान विशेष के लिए एक औषधि के अलग अलग प्रकारों के बारे में आज हम लोग विस्तृत प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने इस विषय विशेष पर। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विज्ञान है। इसके द्वारा हम शरीर में रोग विशेष के लिए अलग अलग औषधियों के प्रयोग के बारे में जान सकेंगे। सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद आयुषो वेदा इति आयुर्वेदा, अर्थात आयुर्वेद वह है जो हमें आयु के बारे में ज्ञान देता है। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु प्लस वेद अर्थात आयुर्वेद। आयु कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो अवधि है उसी का नाम आयु है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज। अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की समय अवधि का सम्यक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें, मौसम के अकॉर्डिंग हमारा आहार विहार खान पान दिनचर्या ऋतुचर्या कैसे हो, इसके बारे में जो हमें सम्यक ठीक प्रकार से ज्ञान प्रदान करे वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब आयु का विज्ञान। वैसे आयुर्वेद को जीवन दर्शन का विज्ञान कहा जाता है, लाइफ फिलॉसफी, हमारे जीवन को कैसे जिया जाए, मनुष्य जीवन जो मिला है 100 वर्षों के लिए, उन 100 वर्षों के जीवन को कैसे सुव्यवस्थित जिया जाए, ये आयुर्वेद हमें सिखाती है। आयुर्वेद मूलतः ऋग्वेद का उपवेद है, उपांग है, और पंचम वेद के रूप में ये प्रख्यात है। संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है। समस्त जीव समुदाय के लिए विधाता ने प्रकृति जगत में वनौषधि का प्रधान रखा है। गुण कर्म भेद अलग अलग हो सकते हैं, किंतु एक भी पौधा इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसमें औषधि गुण ना हो, ऐसा महर्षि चरक ने आयुर्वेद में कहा है। वनौषधियों के विभिन्न अनुपान भेद द्वारा एक औषधि अथवा सम्मिश्रण के रूप में दो रूपों में प्रयोग से शरीर व मन की सर्वांग पूर्ण चिकित्सा एक औषधि चिकित्सा है। चिकित्सा अर्थात औषधि को शरीर में लेने की दो तकनीक है, एक रोग के लिए एक ही प्रकार के औषधि ले, या तो फिर किसी रोग विशेष के लिए कई प्रकार के औषधियों को मिला करके मिश्रण मिला करके फिर उसका अलग अलग स्वरूप में अनुपान के अकॉर्डिंग हम ले, ये दो तकनीक है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक औषधि विज्ञान के बारे में। आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेद की जो हमारे औषधि जो रचना हुई है, औषधि का जो निर्माण हुआ है, उसके लिए कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से जो अमृत के कलश निकले और भगवान धन्वंतरी ने उसे जब ले जा रहे थे और जो दानव देव और दानों में जो युद्ध हुआ, तो कहते हैं कि वो अमृत कलश से अमृत की बूंद इस धरती पे जहाँ जहाँ पे टपके तो वहाँ से कहते हैं इस अनौषधियों का जो उत्पत्ति हुई है, और उन्हीं अनौषधियों से वनौषधियों से ये पूरे पूरे धराधाम जो है विभूषित है। हर वनस्पति अपने पांचों अंगों में औषधीय विशेषताएं लिए हुए हैं, और इन औषधियों के ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। एक औषधि चिकित्सा है क्या? सक्रिय संगठकों को नष्ट किए बिना उन्हें संस्थान विशेष के लिए उचित मात्रा में
अनुपान भेद द्वारा जीवनी शक्ति संवर्धन हेतु मुख मार्ग से देना। सक्रिय संगठकों को नष्ट किए बिना, बिना जलाए या बिना किसी और प्रक्रिया किए सामान्य रूप में कूट पीस करके उसे क्या करें, एक रोग विशेष के लिए एक ही प्रकार के औषधि दें। उदाहरण के लिए यदि फीवर है तो फीवर के लिए, ज्वर है तो उसी के लिए हम क्या करें, गिलोय का सीधा काढ़ा बनाए और पी जाए, एक औषधि एक ही प्रकार के। लेकिन उसी में हमने गिलोय, कालमेघ या त्रिकटू वगैरह मिक्स करके यदि हम उसको ले रहे हैं तो ये आपका सम्मिश्रण वाले हैं। तो यहाँ पे जो चर्चा करने वाले एक औषधि विज्ञान के बारे में। इसके बाद इन एक औषधियों में एक चीज महत्वपूर्ण है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अनुपान। अनुपान अर्थात व्हीकल, यानी वे पदार्थ जो औषधि के साथ दिए जाने पर सक्रिय संगठकों को, एक्टिव इंटीग्रेडियंट्स को शरीर में अपने लक्ष्य विशेष तक पहुंचाए। अनुपान उसी या अन्य किसी औषधि के स्वरस अथवा क्वाथ भी हो सकता है, अथवा उसको हम जल, दूध, घी, दही, मधु, मिश्री, मलाई, मक्खन या अन्य किसी तरल पदार्थ के रूप में हम लोग ले सकते हैं। अनुपान को इसलिए अनिवार्यता दी गई है कि वह औषधि अपने सही रूप में सही स्थान पर पहुंचे। वस्तुतः अनुपान औषधि की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, और इतना बढ़ा देता है कि या तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत अनुपान का प्रयोग होता है तो औषधि गुण भी नष्ट हो जाती है। इसलिए अनुपान का प्रयोग महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं अब अनुपान के कार्य है क्या। चरक सूत्र स्थान 320 में कहा है महर्षि चरक ने कि अनुपान तृप्ति करता है, देह एवं इंद्रियों की कमी को पूर्ण करता है, बल व जीवन देता है, खाए हुए आहार को सर्वत्र शरीर में फैलाने का कार्य करता है, वह उसे शरीर के साथ एक भाव कर देता है। अनुपान ली गई औषधि को विभक्त कर आमाशय व उसे आगे पकवाशय की ओर ले जाता है, यह अन्न की सघनता को तोड़ता है, डेंसिटी को, कोमलता उत्पन्न करता है, शॉर्पनेस, अन्न को गीला कर पचाता है, वह आसानी से अवशोषित हो शरीर में संव्याप्त हो जाने वाला उसे सामान्य क्रम में बना देता है। इसलिए अनुपान हमारे औषधि ग्रहण करने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम लोग देखते हैं एक औषधि चिकित्सा का अलग अलग संस्थान विशेष लिए क्या क्या प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर हम 42 42 औषधियों का वर्णन यहाँ देखने वाले हैं। तो साथियों बड़े ध्यान से इसको देखिए और इसका प्रयोग और इन औषधियों को भी हम यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से आपके सामने दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम मुख, मसूड़े एवं दांतों के लिए जो औषधि प्रयोग करते हैं कौन सी औषधि है उसको हम देखते हैं। नंबर वन है बकुल, जिसको मौलसी कहते हैं, और दूसरा है कायफल। अब देखिए बकुल, मौलसी, इसकी जो औषधि को आप यहाँ पे उसके फ्लावर्स और उसके फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं, इसके छाल, पुष्प और फल तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। छाल का काढ़ा 50 से 50 to 100 cc सेंटीग्रेड पे इसको उबाल करके इसको काढ़ा बनाया जाता है, और 5 से 10 छोटे चम्मच के बराबर कम मात्रा में इसको हम लोग ले सकते हैं, या चूर्ण यदि लेना चाहे तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। महत्वपूर्ण है ये बकुल मौलसी जो है हमारे दांतों के लिए या मसूड़ों के लिए ये मजबूती प्रदान करता है। दूसरा है कायफल, कहीं कहीं पे लोग इसको जायफल भी कहते हैं, इसके अन्य नाम है कटफल, कायफल या महावलकल कहते हैं। इसके छाल व फल ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। सामान्य क्रम में इसको छोटे बच्चों के जब दांत निकल रहे हो उस समय से घिस के दूध के साथ और उसमें थोड़ा सा बादाम मिला करके भी इसको दिया जाता है, चटाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। जुकाम, सिर दर्द, बेहोशी, दांत दर्द, पायरिया और चर्म रोगों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है बालों के लिए, बालों के लिए आयुर्वेद में कहा गया है भृंगराज। आप भृंगराज सभी जगह नॉर्मल तौर से मिल जाता है, जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ पे भृंगराज मिलता है। भृंगराज का अन्य नाम केश रंजन, केशराज, भांगरा या फिर केसूरिया के नाम से प्रचलित है। इसके पंचांग, पांचों अंग का मतलब है जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इस सभी का उपयोग करते हैं।
बालों के सभी प्रकार के रोगों के लिए इसको कूट पीस करके बालों पे लगाया भी जाता है और साथ साथ इसके रस का सेवन भी किया जाता है। इससे हमारे जो किडनी जो है वो स्वस्थ रहता है, और किडनी जहाँ स्वस्थ है वो हमारे बालों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, त्वचा संबंधी विकार के लिए बागुची, इसका अन्य नाम है लाउची या फिर कुष्ठग्नि कहते हैं। इसके ग्राह्य अंग बीज व उसके तेल है। आप इसमें फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं बागुची, वैसे सामान्य क्रम में हर जगह अवेलेबल होता है ये, और स्थान विशेष पे ही विशेष तौर मिलता है ये। तो इसमें कुष्ठ रोग या त्वचा रोग हो तो इसके तेल का क्या है, मालिश करने से या तेल को लगाने से ही कुष्ठ रोग समाप्त होते हैं, या फिर जो अन्य प्रकार के जो हमारे स्किन डिजीज होती है, स्किन डिजीज में ये ज़्यादा उपयोगी है। चौथा संस्थान है हमारे पर मस्तिष्क एवं मना संस्थान। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ब्राह्मी, जटा मानसी और बच्च। ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है हमारे मस्तिष्क के लिए। अब ब्राह्मी देखिए, ब्राह्मी विशेष तौर से तालाब में या फिर नदी में, यहाँ पे गंगा जी में तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ब्राह्मी की उत्पत्ति होती है। आप कभी गंगा जी जाएँ या कभी नदियों में जाएँ तो देखेंगे कि ब्राह्मी ऊपर पानी के पास किनारे किनारे में तैरते हुए आपको मिल जाते हैं, या फिर किनारे किनारे जो जमीन होती है उसमें उगे होते हैं। इसको जल निम्फ, इंद्री या वर्भी भी कहते हैं। इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है, पांच अंग का, और ये महत्वपूर्ण मानी इसलिए कि ये मेधावर्धक, मस्तिष्क की विकृति, स्मृति और मनोविकारों के लिए प्रयोग किया जाता है। जटा मानसी, जैसा नाम इसका है, इनके स्वरूप के कारण इसका नाम दिया गया है। जैसे ऋषियों के जटा होते हैं ना, वैसे ही ये मूलतः ये जो वनस्पति है ये जड़ है। जो आप ये फोटोग्राफ देख पा रहे हैं ये ऊपर का भाग है, और ये जो ऊपर जो जटा जैसे देख रहे हैं ये उसकी जड़ वाला भाग है। सामान्य क्रम से ये खेतों में पाया जाता है, या पानी जहाँ पास हो, नाले वगैरह हो वहाँ आसपास में इसकी पर्याप्त मात्रा में उत्पत्ति होती है। इसको भूतजय, तपस्विनी, सुलोमशा या बालझड़ भी कहते हैं। इसकी ग्राह्य अंग केवल जड़ ही है। ये त्रिदोष नाशक माना गया है। सन्नीपात, शरीर में कहीं सुन्नपन आ रहा हो, किसी अधरांग अगर मान ले जाए, या फिर लकवा वगैरह की प्रॉब्लम हो रही हो, मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि करता है। मस्तिष्क में जितनी क्षमता उत्पन्न कर देता है, जैसे मेमोरी पावर या अन्य प्रकार के लिए है, स्ट्रांगनेस बनता है हमारा मस्तिष्क। नंबर पांचवा जो है नाड़ी संस्थान, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण संस्थान है शरीर का। इसके लिए ज्योतिषमती या माल कंगनी कहते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब ज्योतिषमती मालकंगनी, इसको पीत तैला या काकांडकी के नाम से भी जानते हैं। बीजों का चूर्ण या तेल, विशेषतर तेल ज्योतिषमती की तेल आता है, मार्केट में भी अवेलेबल है, उसको आप शरीर मस्तिष्क में आप सिर्फ केवल मालिश करने मात्र से ही ये हमारे क्या है, ये त्रिदोष नाशक, नाड़ी दुर्बलता, शरीर में कमजोरी हो रही है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए क्या करें, मस्तिष्क क्षमता की वृद्धि के लिए ज्योतिषमती तेल का हमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके आप फल भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन स्थान विशेष पे इसकी उत्पत्ति होती है, इसे हम मेडिकल स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। छठा नंबर है संधि मांसपेशियों संबंधित रोगों के लिए। हड्डी हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर, ढांचा प्रदान करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर हड्डी शरीर में ना हो तो हमारा शरीर केवल मांस का लोथड़ा हो जाएगा। पृथ्वी तत्व का प्रतीक ये अस्थि संस्थान, इसमें जोड़ों संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, इसलिए निर्गुंडी, रासना और सुंडी सुंडी यानी कि सौंठ, इसका प्रयोग किया जाता है। निर्गुंडी साथियों, आप लोग सामान्य क्रम में देखें, निर्गुंडी के पौधे अक्सर कई जगह मिल जाते हैं और हर क्षेत्रों में लगभग ये अवेलेबल है। इसको मेउडो, शंभालू या सिनवार भी कहते हैं। इसके पंचांग, पांचों अंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ है, तना है, पर फल, फूल, पुष्प, ये सभी का इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषतर इसके लिए गठिया, ज्वर एवं कृमि नाशक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जब किसी घुटने के दर्द हो तो भी इसको कूट पीस करके इसके घुटने में या फिर जोड़ों पर इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर रासना है। इसको युक्ता, सुगंधा, रायसन या फिर रुखड़ी के नाम से जानते हैं। इसके पंचांग प्रयोग करते हैं हम लोग।
ये भी वात नाशक है। रूमेटिक अर्थराइटिस, जब हाथ की उंगलियों में मोटे मोटे गांठे या पैर की उंगली में गांठे बन जाती हैं, तो साथियों इसके तेल को मालिश किया जाता है। ये हमारे शरीर में वात नाशक है, इसलिए इसका प्रयोग जोड़ों के रोगों में किया जाता है। शुंडी सौंठ, जिंजर अदरक नाम सुने होंगे आप लोग, इसके जो ये जड़ है, कंद है, ये नॉर्मल तौर से इसको अदरक कहते हैं। जब सुखा करके इसको कैल्शियम के साथ, इसको विशेषतर बॉइल करके जब सुखा दिया जाता है, बनाया जाता है, तो इसको सौंठ कहते हैं हम लोग, इसको ड्राई जिंजर के नाम से जानते हैं। जीवनी शक्ति वर्धक है, वात शामक है और नाड़ी उत्तेजक है, उत्तेजना भी देती है, साथ साथ ये वात का नाशक है। त्रिदोष होता है वात पित्त का, उसमें फिर वात का शमन करता है। सातवां नंबर हम देखते हैं हृदय एवं रक्तवाही संस्थान। हृदय हमारे शरीर के लिए रक्त परिवहन के लिए महत्वपूर्ण एक साधन के रूप में है, और इसके लिए हम लोग पुनर्नामा, शंख पुष्पी और अर्जुन, ये तीन वनौषधियों का प्रयोग करते हैं। साथियों ये हमारे यहाँ फार्मेसी में इसी का निर्माण विशेष तौर से होता है, जिसे आप अलग अलग पैकेज में 100-100 ग्राम का भी प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग बुक स्टॉल पे। तो आप इसे पुनर्नवा को देख सकते हैं। यहाँ पे पुनर्नवा का मतलब है पुनः फिर से नया करने वाला, शरीर को एक रीस्ट्रक्चरिंग कर देता है। इसको गदा पूर्णा या फिर शोधहानी, शरीर में कहीं किसी प्रकार के शोध या गहरे घाव हो जाए तो भी ये पुनर्निर्माण करने में सहायक है। यथा नाम तथा काम है ये, इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। ये त्रिदोष नाशक है, तीनों दोष को नष्ट करने के साथ साथ ही हृदय रोग, पीलिया, पथरी, वमन, अग्निमंदता और रक्त प्रदर, इन सभी रोगों के लिए उपयोगी है। इसको सामान्य क्रम में लोग इसके रस निकालकर ही पी लेते हैं, अन्यथा इनको पंचांग का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उचित और लाभकारी है। शंख पुष्पी, शंख पुष्पी संघ के आकार, देखिए इसके आकार ही शंखाकार होने की वजह से इसको शंख पुष्पी कहते हैं। मांगल्य, कुसुम और शंखाहुली या शोखाकली, नाम अलग अलग है क्षेत्र विशेष के लिए, और ये इसका पंचांग प्रयोग करते हैं। ये मेधा वर्धक है, हमारी बुद्धि का विकास करता है, मस्तिष्क को स्ट्रांग करता है, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के लिए, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे भी इसके शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। चर्म रोग, केश वर्धक, केश वृद्धि, बालों के लिए, गर्भाशय दुर्बलता, अनिद्रा, स्मरण शक्ति, मिश्री, अगर इसको स्मरण शक्ति कम हो तो मिश्री या दूध के साथ मिलाकर पिया जाता है। वैसे इसके भी औषधि या स्वरस, इसका पंचांग रस जो है मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होते हैं, भी कहीं हमें प्राप्त करना है तो मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं इसको, लेकिन अच्छा हो कि इसका स्वरस अगर ताज़ा स्वरूप में, प्राकृतिक रूप में लिया जाए तो ज़्यादा उचित है। अर्जुन, अर्जुन जो आपका जाना पहचाना सा एक देखिए वनौषधि है, जो सामान्य क्रम में क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और अक्सर कई एरिया पे पाया जाता है भारतवर्ष में, तो इसमें कहुआ कहते हैं इसको। कहुआ का जो जो पौधे हैं, ये पेड़ कह सकते हैं, पौधे इतने बहुत बड़ा होता है, ये पेड़ है ये, और इसके फल जो देखिए आपका स्टार फ्रूट्स की तरह है, लेकिन स्टार फ्रूट्स बड़ा होता है और ये थोड़ा छोटे रूप में होता है, बट इसके फल को खाते तो नहीं है, बट इसके छाल का, पत्ते और फल का भी प्रयोग विशेष तौर से किया जाता है। कफ पित्त नाशक, हृदय रोग और पेशाब में जलन, चर्म रोग और श्वेत प्रदर के लिए, इन सभी के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद विशेष तौर से है कफ पित्त नाशक के रूप में और हृदय रोग के लिए करते हैं। यदि किसी को हार्ट अटैक या फिर हार्ट में किसी प्रकार के ब्लॉकेज वगैरह हो या शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो इसके लिए अर्जुन की छाल, इसकी छालों क्या करते हैं, कूट करके इसमें काढ़ा बना लिया जाता है और उसको सिंपल ठंडी करके, गुनगुना रहा है हल्का सा तो ठंडी करके फिर इसको पिया जाता है। और ये सामान्य क्रम में हमारे लिए बहुत रामबाण की तरह सिद्ध होता है हृदय रोग के लिए, हृदय रोगियों के लिए जिन्हें उच्च रक्तचाप हो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण एक औषधि है। मतलब एक औषधि का ही प्रयोग करें, कहीं कहीं लोग तो यदि उसके हृदय में कहीं अगर ब्लॉकेज हो तो लोग इसके क्या करते हैं, इसके कूट करके इसके रस को तो पी जाते हैं, लेकिन उसकी जो छाल बचता है उसको हार्ट के ऊपर लेयर भी किया जाता है, लेपन किया जाता है, उस लेप लगाने से भी हमारे हृदय संबंधी विकार, चाहे एंजाइना पेन हो या हृदय शोथ हो या हृदय में किसी प्रकार के जमा हो, कचरे हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, उनके लिए भी ये उपयोगी होता है।
आठवां नंबर फेफड़ा और ऊपरी संस्थान, ऊपरी व निचली श्वसन संस्थान के लिए है। ये नासिका से लेकर के पूरे हमारे लंग्स एरिया को कवर करता है। और वर्तमान में जो COVID-19 है, ये COVID-19 में तो क्या है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है सबसे पहले हमें अटैक करता है हमारे लंग्स को और गले को। इसके लिए अड़ूसा, भारंगी, कंडकारी और शीरिश इसका प्रयोग किया जाता है। आयुष विभाग ने भी अड़ूसा, भारंगी, कंडकारी इस सब को मिला करके एक औषधि तैयार किया है। साथियों आप भी ले सकते हैं, यदि आपके आसपास अवेलेबल है, उपलब्ध हो, आप देख लीजिए। अड़ूसा, इसको वासा भी कहते हैं हम लोग, उष, बाशक या मलवार, नट आदि नामों से भी जानते हैं इसको। ताजे फल का रस या सूखी पत्ती का चूर्ण या मूल छाल चूर्ण या फूल का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। विशेषतर इसके पत्तियों को भी तोड़ करके हम लोग क्या है इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। श्वास रोग में, खांसी में, क्षय रोग में, कफ, अर्थात कुल मिलाकर कहा जा सकता है वासा का प्रयोग, हम इसके पत्तियों को तोड़ करके, फूल को तोड़ करके हम इसको काढ़े बना करके इसको ले सकते हैं। आधा कप आप सुबह शाम खाली पेट लीजिए। आपको लंग संबंधी अर्थात फेफड़े संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम है, इससे हमें निजात मिलती है। भारंगी, भारंगी को ब्राह्मण यष्टिका या फिर खरशाकू, पद्मा या बम नैटी इसके नाम जानते हैं। विशेषतर इसके जड़ का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये जड़ भी इसके श्वास रोग के लिए, खांसी, क्षय, कफ, ज्वर, इसको शहद व अदरक के रस के साथ अनुपान के रूप में, साथ अनुपान के साथ इसको दिया जाता है। ये हमारे लिए उपयोगी है। कंटकारी, ये आपको कहीं जाना पहचाना सा है, रोड के किनारे, हाईवे के आसपास किनारे में या फिर गांव में काफ़ी पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। नाम ही है कंटकारी, बहुत सारे कांटे होते हैं। इसके फल को देख पा रहे हैं, ये जब कच्चे होते हैं तो कच्चे इसमें जो ग्रीन कलर का और उसमें कुछ धारी, देखिए इसमें ग्रीन कलर का धारी है और वाइट वाइट के इसमें धब्बे भी बने हुए हैं। इसका नाम छोटी कटेरी, भटकैया, भस्कटिया भी बोलते कहीं पे, दुख, स्पर्श और रेंगड़ी। दुख स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पर्श करेंगे तो कष्ट ही मिलता है, क्योंकि कांटे होते हैं, इसके फल को तोड़ना मुश्किल होता है। ये श्वास रोग के लिए, खांसी, इसका भी पंचांग प्रयोग करते हैं। हिचकी, गुर्दों एवं परमूत्र, परमूत्र मतलब जो बार बार पेशाब होने की प्रक्रिया है तो उसके लिए भी उपयोगी होता है। कंठकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग पंचांग के रूप में कर सकते हैं, इसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद 9 नंबर है ऊपरी पाचन संस्थान एवं यकृत। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात इसके लिए आंवला, मुलेठी, सतपुष्पा, सरपुंखा और काल्मिक इसका प्रयोग करते हैं। पाचन संबंधी यदि कोई विकृति आ जाए तो इसके लिए आंवला, आंवला तो इस धरती के अमृत कहा गया है इसको, इसलिए आदि फल, अमर फल, धात्री फल या आमलकी के नाम जानते हैं ठंडी के मौसम में। और यूं कह सकते हैं ये प्रकृति का वरदान है मनुष्य के लिए। हमें जहाँ पर इसको मिले, अगर इसके वास्तविक स्वरूप, मौसमी स्वरूप जो हमें मिले उस समय मुझे कच्चा ही इसको लेना चाहिए। एक दो फल, एक फल तो प्रतिदिन ले सकते हैं हम लोग। विशेषतर फल है इसके, इसके रस निकालते हैं, इसकी अचार बनाते हैं, मुरब्बा, बहुत सारे स्वरूप में इसको हम लोग ले सकते हैं। बारह माह इसका प्रयोग किया जा सकता है। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में इसमें होती है। त्रिदोष हर है, तीनों दोष को नष्ट करने वाले हैं। शूल हर है, किसी प्रकार का शरीर में दर्द हो, और बल और पुष्टि वर्धक है। यदि हिचकी और उल्टी आ जाए तो इसको मिश्री के साथ लेने का प्रावधान है। रक्तपित में, रक्तपित अर्थात जो पित्त के साथ ऊपर से अगर ब्लड आ रहा हो, खून आ रहा हो, तो उसमें आंवला प्लस मिश्री का रस मिलाकर देने से जो रक्तपित है वो भी शांत होता है। पीलिया के रोग हो तो पीलिया के रोग में आंवले की चटनी शहद के साथ दिए जाने से ये बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों इसका प्रयोग घर में कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा और कहीं सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। एक औषधि विज्ञान पूज्य गुरुदेव ने इसी कारण दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति घर में कर सकता है इसको, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में औषधियों की कमी नहीं है, इसको प्रयोग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट औषधि है मुलेठी। इसको यष्टि मधु, मधु क्लितिक, जेठी मल या लिकोरिस कहते हैं। इसके जड़ व भौतिक तना दोनों का ही प्रयोग हम लोग कर पाते हैं इसमें। ये काश, गले में जो खराश आती है, वमन, व्रण रोपण या रुधिर युक्त वमन, शुक्रवर्धक,
हृदय रोग, अपस्मार, अपस्मार का मतलब है मिर्गी, इन सभी रोगों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके चूर्ण बना करके गले में यदि बोलने में कोई दिक्कत हो रही हो या गला बैठ रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, मुलैठी है, मुलैठी की डंडी को लेकर थोड़ा से काट करके थोड़ा चूसते हैं तो मीठा मीठा सा स्वाद आता है, बड़ा अच्छा सा अच्छा स्वाद रहता है इसका। आप रहेंगे तो गले की जो खराश है वो खराश ठीक हो जाती है, बार बार उल्टी आने की जो प्रॉब्लम व्यक्ति को वो ठीक हो जाता है, शुक्रवर्धक विशेष तौर से। तो ये शरीर के लिए उपयोगी औषधि हमारे लिए मुलैठी जो है। 10th नंबर चर्चा करें निचला पाचन संस्थान, निचला पाचन संस्थान छोटी आंत बड़ी आंत इसके रूप में चर्चा करते हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं। तो ये हमारे लिए हरड, बिल्व, अमलतास, नागकेसर, कुटज और बायबिडंग ये महत्वपूर्ण है। ये सारे से नीचे पाचन संस्थान मतलब छोटी आंत बड़ी आंत और हमारे एक महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं, तो इसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। इसमें से एक एक करके औषधि देखते हैं। हरड़, हरित की नाम ही इसको अभिया या पथ्या भी कहते हैं इसको, इसका फल प्रयोग कहते हैं। जब त्रिफला बनता है तो हरड़ा, बहेड़ा और आंवला, तो हरड़ भी एक उसमें से यही हरड़ा जिस हरड़ कहते हैं एक औषधि यह है त्रिफला का। पुरानी कब्ज, कैसे भी कब्ज हो तो कब्ज में सिंपल सा है, इसके जो बाल हरड़ कहते हैं छोटे छोटे जो छोटे हरड़ होते हैं, जो हरड़ होते हैं टूट गिर जाते हैं उसको इकट्ठा कर सुखा लिया जाता है, उसकी चूना बना कर दिया जाता है, उसको बाल हरड़ कहते हैं, लघु हरित की कहते हैं उसको। यदि मान लें कैसे भी कब्ज हो उसे क्या करें, आधा चम्मच गुनगुना पानी के साथ रात में सोते समय दे ले लिया जाए तो पुराने से पुराने रोग को भी कब्ज संबंधी रोग को ठीक किया जा सकता है। कृमि रोग, पेट में कीड़े हो जाए, बवासीर, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पीलिया, अगर पीलिया हो जाती है, पीलिया होने से शरीर पूरे पीले हो जाते हैं, आँख पीले होते हैं, बहुत सारे चीज़ पीला पीला हो जाता है, ऐसे रोग हो तो भी ये हमारे लिए फायदेमंद है। अग्निमंदता, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, विशेष तौर से ये त्रिदोष हरा है, तीनों दोष को नष्ट करने वाले हैं वात, पित्त और कफ को, इसलिए हरड़ उपलब्ध हो जाते हैं हमें आसानी से, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वैसे कब्ज जो है सभी रोगों की जननी कहा गया है, इसलिए कब्ज के लिए इसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। बिल, इसको बेल कहते हैं, भगवान शिव को प्रिय है इसकी पत्र और इसके फल फूल सभी प्रिय है, तो श्रीफल, सांडिल या सदाफल के नाम से इसको जानते हैं। फल का गुदा है, बेलगिरी है, पत्र है, मूल है और छाल है, इसके बहुत सारे अंगों का प्रयोग करते हैं केवल जड़ को छोड़ करके। तो ये भी हमारे लिए पाचन संस्थान के लिए विशेष तौर से छोटी आंत और बड़ी आंत के लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसे पूर्व में पहले वाले चर्चा किए थे वैसे ही पुराने कब्ज, कृमि रोग, बवासीर, पीलिया, अग्निमंद, अतिसार, यदि बार बार किसी व्यक्ति को क्या है दस्त हो रहा है तो उसके लिए भी हैजा, हैजा जैसे महामारियों से भी ये मुक्ति प्रदान करता है। गर्मियों में तो शरीर को शीतलता और शांति प्रदान करता है और आंतों को पूरी अच्छी तरह से सफाई कर देता है। साथियों जब भी हमें मिले तो जरूर इसका बेल का शरबत या उसके मुरब्बा हमें यूज करनी चाहिए। अच्छा हो कि इसके वास्तविक स्वरूप में इसे पक जाने के बाद इसको खाया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शारीरिक दृष्टि से और उसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी वो ज़्यादा यूजफुल होता है। यदि उसके मुरब्बा बनाया जाए, अन्य चीज़ किया जाए तो लिया जा सकता है, बट वास्तविक स्वरूप का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त है। 11th नंबर है मूत्रवाही एवं जनन प्रजनन संस्थान। अब इसके लिए अगर यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो, जिनेटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गोक्षूर, अशोक, वरुण और लोध। अब ये है क्या गोक्षूर, आप गोक्षूर मतलब ये कांटेदार होते हैं, विशेषतर खेत खलिहानों में पाया जाता है, इसको चणद्रुम, स्वादु, कंटक, गोखरू, त्रिकंटक, इक्षु या गंधिका कहते हैं। विशेष तौर से इसमें कांटे होते हैं, जब पकड़ेंगे तो ये हाथ को हाथ में चुभता है और इसके पंचांग पांचों अंगों का ही इसमें भी फल प्रयोग किया जाता है, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का। विशेष तौर पथरी में इसका प्रयोग करते हैं, पथरी के लिए तो ये कहते हैं कि रामबाण की तरह कार्य करता है, इसको पीस करके प्रयोग करते हैं, इसे काढ़ा बना करके या इसको ऐसे ही जल के साथ लिया जाता है, तो पथरी नाशक है। जिसके स्वरूप को देखिए, स्वरूप जैसा है वो वैसा ही, जैसे चुभता है पथरी शरीर में कांटे की तरह ना, वैसे ही इसको ये गोक्षूर जो है ये कंटक, इसी के नाम कंटक दिया गया है, पेट की सभी रोंगले, विशेष तौर से ये नपुंसकता, किसी को अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है, वीर्य की कमी है
तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। गुर्दे का विकार, गुर्दे मतलब किडनी का, प्रजनन अंगों में संक्रमण हो, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, प्रदर व अतिरिक्त स्राव, जो बहुत ज़्यादा मासिक स्राव की प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए भी एक औषधि महत्वपूर्ण है। अशोक, अशोक का नाम जानते हैं आप, अशोक वाटिका में इसी के नीचे माँ भगवती सीता जो है, कहते हैं कि रावण जब ले गए तो इसी वृक्ष के नीचे उसे बिठा कर रखे थे। इसका नाम हेमपुष्पा भी है, ताम्र पल्लव कहते हैं इसको। अशोक दो प्रकार से, एक अशोक होता है जो 100 पीस के लिए पतली सी होती है और एक चौड़ी होती है। तो बड़ी वाली जो गोलाकार आकार लिए होते हैं, ये अशोक विशेष तौर औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके छाल, पुष्प और कली इसका प्रयोग करते हैं। स्त्रियों के समस्त रोगों में गुणकारी माना गया हेम पुष्पा या अशोकारिष्ट, मेडिकल स्टोर में इसकी बदा बनाया औषधि उपलब्ध होते हैं और ये महिलाओं के लिए उपयुक्त भी है और उचित भी होता है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तियों का भी सेवन किया जा सकता है, मौका पड़े कहीं पे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। 12 नंबर है रक्तशोधक संक्रमण नाशक, इसमें गिलोह है, सारीवा है, खादिर है और चिरायता है। अगर रक्त शोधन करना है, रक्त संबंधी कोई विकार आ रही है और रक्त संबंधी विकार आ रही है, इसका मतलब कि स्किन डिजीज हो रही है, तो इसके लिए सबसे नंबर है गिलोह। साथियों, गिलोय तो हमारे इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है, प्रतिरोध क्षमता के लिए, क्योंकि रक्त शुद्ध रहेगा तो ये निश्चित है कि हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और वर्तमान की परिस्थितियों के दौरान गिलोय का जो काढ़ा है वो हमारे लिए उपयोगी है। इसको अमृता, मधुपर्णी, तंत्रिका, कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। विशेष तौर से गिलोय कहते हैं अगर नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ गिलोय हो तो ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा कड़वा होता है और ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसलिए गिलोय किस पेड़ पे चढ़ा हुआ है इसके भी अपने आप में उपयोगिता है। तो नीम में क्या है, चढ़ा हुआ गिलोय ज़्यादा उपयुक्त माना गया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इसके तना डंठल का ही प्रयोग करते हैं, ये बेल रूप में होते हैं जैसे आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं। रक्त शोधक है, मलेरिया, काला ज्वर, टीबी, मधुमेह, शुक्रहीनता, कृमि रोग, पीलिया, ज्वर, तो ये सभी रोगों में महत्वपूर्ण है। हमें तो बीच बीच में जरूर इसका सेवन करना चाहिए गिलोय का, और काढ़े बना करें। काढ़ा ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एक गिलास पानी है, एक चम्मच जल, उसमें आपने एक चम्मच जल इसको डाल दिया है तो जल का जो 1/4 भाग बचे वही काढ़ा है। तो उसको लेने से ये सभी रोग, जो चाहे रक्त का शोधन संबंधी हो या फिर किसी प्रकार की ज्वर हो, ये सभी ज्वर को क्या है, नष्ट करने वाले औषधि है। खादिर, इसको खैर भी कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं पान के साथ। रक्तसार, दंत धावन, कंटकी, यज्ञीय महत्वपूर्ण नाम है इसका, इसके तना का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये कफ पित्तनाशक है, स्तंभक है, रक्तस्राव को रोकता है। यह कहीं अचानक ब्लडिंग हो जाता है व्यक्ति को, बार बार होता रहता है नाक से कहीं शरीर से, तो उसके लिए भी ये खादिर उपयोगी होता है। पीलिया, रक्त विकार, रक्त शोधक, मलेरिया, काला ज्वर, टीबी, मधुमेह, शुक्रहीनता, कृमि रोग, ये सभी रोग के लिए, जैसे आपका पीछे हमने बताया था आपको, पीछे की जो औषधि थी जिसे हमने गिलोय कहा था, इस गिलोय की तरह ही इसका भी प्रयोग किया जाता है इन सभी रोगों में। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। 13 नंबर है हार्मोन संस्थान, जो हमारे हार्मोनल संस्थान है, जो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड से कह सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के हार्मोन, जो जीवनदायिनी हार्मोन हमारे लिए स्रावित होती है और जो जीवन में सारी क्रियाशीलता, हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी को नियंत्रित करने वाली है, इनके लिए महत्वपूर्ण हमारे लिए कचनार और गुड़माल। ये दो औषधि है जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड, वो सभी इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और प्रभावकारी माना गया। कचनार, गंडारी, युगपत्रक, स्वलप, केसरी या चंपाकारी कहते हैं, इसकी छाल और पुष्पों का ही प्रयोग किया जाता है। बड़ा सुंदर सा पुष्प आप देख पा रहे हैं इसे, तो इनके छाल और पुष्प दोनों का ही प्रयोग करते हैं इसमें, और इसमें गंडमाल नाशक, कफ और पित्त शामक कहा गया है। गंडमाल गले में जो घेंघा रोग या कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, और कफ को नष्ट करने वाला और पित्तनाशक भी कहा गया है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। और दूसरा जो है गुड़माल है, मधुनाशनी, मेड़ा सिंगी या कावली, देखिए यहाँ पहले ही दिया गया है मधुनाशनी,
मधुमेह के रोग में गुड़मार का प्रयोग विशेष तौर से किया था। आयुर्वेद में इसको मधुनाशिनी के नाम से जानते हैं। इसके पत्र चूर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसे कफ वातशामक सोतहर विषनाशक और मधुमेह के लिए प्रयोग करते हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, डायबिटीज की रोगी इसे गुड़मार का पाउडर जरूर यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये लाभप्रद औषधि के रूप में है। नेक्स्ट नंबर जो है बलदायी रसायन है, जो हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है, वो है अश्वगंधा और शतावर। अश्वगंधा का प्रयोग विशेष तौर से अश्वगंधा, इसको असगंध, बारह करणी या वाजीगंधा या वहम नेवररी इस नाम जानते हैं। इसकी जो मोटी मोटी जो जड़ें जमीन के अंदर होती, इसका प्रयोग किया जाता है। बलवर्धक सभी जीर्ण रोग, धातु वृद्धि, मेधावर्धक कहा गया है। धातु पुष्ट करता है शरीर के, और विशेष तौर से ये हमारे जो है वीर्यवर्धक भी इसको माना जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर शक्ति की कमी हो तो कहते हैं कि अश्वगंधा को रात्रि के समय दूध के साथ भी इसका सेवन किया जाता है। तो ये शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ हमारे जीवन को बनाता है। अश्वगंधा नाम है अश्व की तरह शक्ति प्रदान करने वाला, अश्व की तरह शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करता है अश्वगंधा। शतावर, शतावर ये भी आप देख पा रहे हैं, लोग इसे अपने घर के आसपास इसे शो पत्र के रूप में भी लगाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और इसकी पौधे की तरह देख पा रहे हैं इसको, और इसकी लंबी लंबी इसकी लता की तरह ये अपनी बेल की तरह भी आगे फैलती है। ये तो इसकी जो जड़ होती है, जड़ में काफ़ी लंबी लंबी सी जड़ें देख पा रहे हैं आप इसमें, इसी का प्रयोग करते हैं शतावर। इसको सतमूली, सतवीरिया या बहुसुता कहते हैं। ये बलवर्धक जीर्ण रोगों में, धातुवृद्ध कफ में और हृदय की संकोचन क्षमता गर्भाशय के रोग में। शतवीरिया का मतलब ये हमारे रज और वीर्य में विशेष तौर से वृद्धि कारक है, इसलिए शतावर का प्रयोग हम लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कर सकते हैं। 15 नंबर है तुलसी। समस्त रोगों की एक ही औषधि है, और इसमें तुलसी का यदि प्रयोग किया जाए, तुलसी को हम लोग माँ के रूप में जानते हैं, और इतना उपयोगी है कि हर प्रकार के रोगों में शरीर की इम्यूनिटी पावर से लेकर के शरीर के संपूर्ण वह तक हम लोग इसको अपने घर में भी लगा कर रखते हैं। हमारे ऋषियों ने इतना महत्व इसका दिया कि घर के आंगन में इसको चबूतरा बनाकर लगाने का विधान है। कहा जाता है जहाँ तुलसी होता है उसके 100 मीटर के आसपास के वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पे किसी प्रकार कृमि कीटनाशक उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में इसको माँ की तुलना अर्थात पोषण और पालन करने वाली है। इसलिए तुलसी के पत्र का, वैसे इसके पंचांग का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य क्रम में तुलसी की पत्र लेना है तो तुलसी के पत्र को चबाकर नहीं लेते, क्योंकि इसके ऊपर इसमें जो इसके पत्र में एक तरह से पारा पाया जाता है, जिसे अगर खाएंगे तो आपके दांत के अंदर जो ऊपर जो मेलेलिन जो कवर है उसको क्या आगे काट देते हैं, इससे क्या आपके दांत खराब होने का चांस बनता है। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में बात कही गई है कि तुलसी को हमेशा कभी चबाना नहीं चाहिए, उसको दबा करके हाथों में थोड़ा सा मल करके बारीक टुकड़े टुकड़े बना करके या पीस करके इसके रस निकाल करके उसको पीना चाहिए, ये हमारे फायदेमंद है। मित्रों, आज के विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है। खाली पेट, आयुर्वेद की औषधि विशेष तौर से खाली पेट लेने का ही विज्ञान विधान है। इसको सर्व रोगहारी कहा गया है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुलसी हमारे लिए सर्व रोगहारी है। इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं हर प्रकार रोग में। इम्यूनिटी पावर के लिए, वर्तमान की जो समस्या परवेश जो चल रही COVID-19 का, इसके लिए भी हम लोग तुलसी के जो स्वरस है या उसकी पत्तियों को हम लोग पत्तियों का रस का पान कर सकते हैं। जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे जरूर लें, अन्यथा मेडिकल स्टोर में तुलसी अर्घ के नाम से भी उपलब्ध होता है, उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत सारे औषधियों के बारे में मैंने चर्चा किया, इन औषधियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इन औषधियों के बारे में विशेष जानकारी आपको अर्जित करनी है तो हमारे सहायक संदर्भ ग्रंथ है दिव्य जड़ी बूटियाँ, जो हमारे शांति कुंज के विज्ञान उद्यान विभाग द्वारा ब्रह्मचर्य द्वारा लिखी जड़ी बूटी संदर्शिका है। प्रायोगिक वनौषधि विज्ञान जो है शांति कुंज उद्यान विभाग द्वारा रचित है, इनको आप लोग देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। विद फोटोग्राफ्स ये सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं।
तो साथियों, आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है। इस वरदान को हमें जानना चाहिए और जो हमारे आसपास जो उपलब्ध है उन औषधियों का जितना उपयोग हो सकता है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। एलोपैथी को हम इमरजेंसी के लिए ही प्रयोग करें ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा है जो हमें किसी प्रकार साइड इफेक्ट नहीं देता। तो साइड इफेक्ट से, इसके प्रति प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमें आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए और आयुर्वेद के शरण में चाहिए जाना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं तो कोई नहीं, परम पूज्य गुरु ने एक औषधि विज्ञान दिया है, एक ही औषधि का प्रयोग करें, नुकसान नहीं होगा आपको, केवल फायदा ही होगा। धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको अच्छा लगे हैं तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आयुर्वेद का विज्ञान जन जन तक और जनमानस तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।